हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज जो है बुलेरो आई है हमारे पास, तीन सिलेंडर जो लोडिंग होती है और 557 उसमें इंजेक्टर होता है, बहुत फेमस इंजेक्टर है। तो आज इसका मैं व्हीकल पे देखो हमने कैसे ढूंढना है कि किस इंजेक्टर में इशू है, इंजेक्टर में इशू है भी या नहीं है। एक मोटा मोटा आप कह सकते हो 60-70% तो पता लग ही जाता है, नोजल की डिलीवरी का पता नहीं लगता है, सेटिंग का पता नहीं लगता है, लेकिन बैकलीक का पता लग जाता है और बहुत सारी दिक्कतें बैकलीक से आती हैं। तो 50-60% आप कह सकते हो कि हाँ इंजेक्टर्स का फॉल्ट ऊपर से डायग्नोस किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं, इसमें हम बैकलीक की पाइपलाइन पूरी लगाएंगे। ये 6 बॉटलें तीन ही काम में आएंगी, तीनों ये जो पाइप हैं इंजेक्टर की बैकलीक की जगह पर हम इसको लगा देंगे। अभी बैकलीक में क्या है, देखो बहते हुए नहीं आना चाहिए डीजल बिल्कुल भी, ठीक है। देखो इस तरीके से लगाना है, इंजेक्टर को ऊपर से लॉक हटा के हमने तीनों पाइप इसमें लगाए हैं। और देखो स्टार्ट करने के वक्त या स्टार्ट होने के बाद बहुत कम कम, देखो ये पाइपलाइंस के अंदर आप ध्यान देना डीजल कैसे फ्लो कर रहा है, ये बीच वाले इंजेक्टर में कितनी तेज़ी से डीजल बाहर आ रहा है, बाकियों में इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा। अभी देखो बिल्कुल जैसे कोई लहर चल रही हो उस तरीके से बहता हुआ चला जा रहा है, ये फ्लो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। बाकियों में बगल वाले पाइप में देखो डीजल आया ही नहीं है और इस वाले पाइप में डीजल बिल्कुल बह रहा है, एकदम तेज़ी से बह रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंजेक्टर में कमी अच्छी खासी है। तो बाकी दो इंजेक्टरों में बैकलीक नहीं है, लेकिन हाँ अब ये काम इंजेक्टर रिपेयर करें उससे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फिल्टर का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल फिल्टर, नया फिल्टर। अब इसके हम ऑब्वियसली बीच वाला इंजेक्टर केवल निकलवाएंगे और बीच वाले इंजेक्टर को निकाल करके रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद गाड़ी को यहाँ से विदा करेंगे। तो इस तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हो कि इंजेक्टर में मोटा माटी प्रॉब्लम है या नहीं है। थैंक यू।